सो वेलकम टू द रूट्स रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल। मैं आपका कीबोर्ड टीचर और मैं आज आपको सिखाऊंगा लेफ्ट हैंड के नोट्स, हमको हम कैसे रीड करते हैं और कैसे प्ले करते हैं। ओके बेसिकली मैंने एक बार लास्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो लास्ट क्लास में मैंने राइट हैंड के नोट सीखे थे, हमने ट्रैवल क्राफ्ट रीड करना सिखाया था। तो मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप आज हम लेफ्ट हैंड करें तो आपको, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नोट्स की पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ट्रेबल क्लेफ में क्या होता है, वही फाइव लाइंस होती है, मैंने आपको बताया था, थ्री फाइव लाइंस होती हैं। और ट्रेबल क्लेफ का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है, ये ट्रेबल क्लेफ होता है ना। तो मैंने यहाँ पर ये सी होता है, इस यहाँ पर मिडिल सी होता है, मिडिल सी, इस ये लेजर लाइन होती है। लेजर स्पेस में क्या होता है, डी। फर्स्ट लाइन पे क्या होता है, ई। फर्स्ट स्पेस में क्या होता है, एफ। और एंड सेकंड लाइन पे क्या होता है, जी। राइट सो ये ट्रेबल क्लेफ था और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। इस पर मैंने एक सॉन्ग भी कराया था, ओ टू जॉय, आई होप सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा ये ट्रेबल। आज मैं आपको सिखाऊंगा बेस क्लेफ। बेस क्लेफ में क्या होता है, अब ये तो हम राइट हैंड से प्ले करते थे, अब बेस क्लेफ में अब हम प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन थोड़ी सी अलग होगी। तो मैं, क्योंकि अभी जो मैं सी पोजीशन करा रहा हूँ, सी पोजीशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड हमारा जो राइट हैंड होता है वो सी डी ई एफ जी यहाँ पर आता है, मिडिल सी से। मिडिल सी पे थंब आता है, फिर डी आता है, थर्ड फिंगर ई पे, फोर्थ फिंगर एफ पे एंड फिफ्थ फिंगर जी पे। ओके ऐसे होता है। और लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा वो इससे जस्ट पहले वाला सी, बेस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड वाला सी, जस्ट पहले वाला सी जो होता है वो पे फिफ्थ फिंगर आती है, डी पे फोर्थ फिंगर आती है और ई पे थर्ड फिंगर आती है, एफ पर फोर्थ फिंगर एंड जी पर फिफ्थ फिंगर। ओके सो ये हमारा मिडिल सी, सॉरी सॉरी डो नॉट मिडिल सी बट सी, सी टू। अगर 61 कीज का कीबोर्ड है तो सेकंड सी, सी डी ई एफ जी। तो ये सी पोजीशन का लेफ्ट हैंड हो गया। तो मैं आज हम ये वाले नोट्स पढ़ेंगे, सी डी ई एफ जी, इनकी पोजीशन पढ़ेंगे। तो बेस क्लेफ में ये कहाँ कहाँ पर होते हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी पोजीशन होती है वो मैं आज को आपको सिखाता हूँ। पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो देखो मैं पहले फाइव लाइंस ड्रॉ करता हूँ, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ओके सिर्फ फाइव लाइंस हो गई, थोड़ा सा और आगे से कर देता हूँ। ठीक है तो बेस क्लेफ का साइन बता देता हूँ मैं। बेस क्लेफ का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, दिस इज अ बेस क्लेफ। ओके बेस क्लेफ इस तरीके का साइन होता है बेस क्लेफ, और इसको बोलते हैं हम बेस, बी ए डबल एस क्लेफ। ठीक है बेस क्लेफ। और इसका एक और नेम होता है जिस जो होता है एफ क्लेफ। अच्छा एक बार बात करूँ, जो मैंने कल ट्रेबल क्लेफ पढ़ाया था, ट्रेबल क्लेफ है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसको उसका एक और नेम क्या था, जी क्लेफ था। क्या था, जी क्लेफ है ना, जी क्लेफ था। मैंने रिवाइज कर, इसको भी याद रखना आप, जी क्लेफ हो या ट्रेबल क्लेफ हो सेम चीज़ होती है। और इसमें बेस क्लेफ में ये एफ क्लेफ होता है। एफ क्लेफ क्यों होता है कि जैसे ये एफ होता है, इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा और कर देते हैं ये इस तरीके से, थोड़ा एफ जैसा शेप आता है। और दूसरी बात, जो टू डॉट्स होते हैं इसकी जो बीच में लाइन होती है इसको हम एफ लाइन बोलते हैं। एफ लाइन, एफ लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन पर जो नोट आता है ना वो एफ नोट होता है। तो बस मोटा मोटा ये है। तो एफ क्लेफ हो गया, दूसरा नेम एफ क्लेफ, और वैसे हम बेस क्लेफ बोलते हैं इसको, ठीक है नॉर्मली। तो ये साइन हो गया, चलिए अब इसकी पोजिशन देखते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में जो 61 कीज के कीबोर्ड में, अगर 61 कीज का कीबोर्ड है तो जो सेकंड सी है, ऑलराइट। और अगर आपका 88 कीज का कीबोर्ड है, जो फुल साइज कीबोर्ड होता है वो, अगर 88 कीज का है तो उसमें थर्ड सी जो होगा वो मतलब बेस क्लेफ का सी होगा, ठीक है। और अगर आपका और छोटा है तो आप 49 कीज का होता है तो उसमें शायद फर्स्ट सी आई में भी फर्स्ट सी बेस क्लेफ होगा, ठीक है। तो ओके तो सी डी ई एफ और जी, ये तो ये इसमें जो मेरे कीबोर्ड में मेरे 61 कीज का है तो उसमें ये सी डी ई एफ जी जो हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। तो इसमें
इसका जो ये हमारा लाइन कौन सी हो गई, मैं तो लाइन और स्पेस लिखता हूँ, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, फोर्थ लाइन हो गई, ये फिफ्थ लाइन हो गई, नीचे से ऊपर काउंट करेंगे। ओके, नीचे से ऊपर। स्पेस में क्या होता है, ये स्पेस होते हैं जो दो लाइन के बीच का गैप होता है, ये फर्स्ट स्पेस हो गया, ये सेकंड स्पेस हो गया, ये थर्ड स्पेस हो गया, फोर्थ स्पेस हो गया, जो बीच में ये स्पेस होता है, गैप होता है ना, इनको स्पेस बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्पेस हो गई, और लाइन खींचूंगी बट नीचे से 1 2 3 4 लाइन होगी। चलो अब तुम्हें ये सेकंड स्पेस जो होता है ना, इसका सेकंड स्पेस, सेकंड स्पेस जो होता है ये होता है सी। पोजीशन फिक्स होती है हर की पोजीशन, स्टाफ रोटेशन फिक्स होती है। अगर यहाँ पर सी है तो इसका मतलब ये नहीं है हम कोई भी सी प्ले कर सकें, ऐसा नहीं होता। हर की एक अपनी फिक्स पोजीशन होती है स्टाफ में, ठीक है। तो सी है, अगर यहाँ पर सी है तो हम कौन सा वाला सी प्ले करेंगे, जो मिडिल सी से जस्ट पहले वाला है, मिडिल सी से जस्ट पहले वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सी है वो ही ये वाली इसकी उसी की पोजीशन है ये, ठीक है। तो ये सी हो गया, इसके बाद कौन सा स्पेस है, ये सेकेंड स्पेस, राइट, सेकेंड स्पेस सी हो गया। उसके बाद अब आती है थर्ड लाइन, 1 2 3, ये थर्ड लाइन आती है। इसके बाद तो थर्ड लाइन पर जो नोट आएगा दैट इज डी, ओके दैट इज डी। उसके बाद थर्ड स्पेस, थर्ड स्पेस में जो नोट है वो है हमारा ई। इसके बाद आएगी फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में जो नोट होगा वो होगा हमारा एफ। एंड एट लास्ट, क्योंकि हम सिर्फ जी सी से जी तक सीख रहे हैं, तो ये जो फोर्थ स्पेस का जो नोट होगा, फोर्थ स्पेस का जो नोट होगा वो है जी। ओके, सो सी, सी कहां पर है, मैं नीचे भी आपको थोड़ा नोट कर देता हूं। सी हमारा कहां पर है, सेकेंड स्पेस, सेकेंड स्पेस। ऑलराइट, डी कहां पर है, थर्ड लाइन, ठीक है। ई कहां पर है, 1 2 3, थर्ड स्पेस। और एफ कहां पर है, 1 2 3 4 लाइन है ना, 1 2 3 4 लाइन पे एफ है। और जी, जी कहां पर है, अगर ये स्पेस में है, जी है ना स्पेस में, दो लाइन के बीच में गैप होता है उसको स्पेस बोलते हैं, तो जी में है, तो 1 2 3 4 मतलब फोर्थ स्पेस में है जी, फोर्थ स्पेस। तो आपको ऐसी पोजीशन याद रखनी है, सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, डी कहां है, थर्ड लाइन पे, ई कहां है, थर्ड स्पेस, एफ फोर्थ लाइन, एंड जी फोर्थ स्पेस। ओके, आपको ऐसे एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे आपको रीड करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो एकदम ये सिर्फ 5 कराई है मैंने, एक साथ सारी नहीं कराई, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो याद रहे ये बेस क्लैफ है, नॉट ट्रेबल का, बेस क्लैफ है, ठीक है। बेस क्लैफ मतलब हम लेफ्ट हैंड से जो नोट प्ले करेंगे, कौन सी, जो मिडिल सी से जस्ट पहले वाली जो सी होती है वहां पर लेफ्ट हैंड आता है, तो वो वाली सी डी ई एफ जी है। सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, डी कहां है, थर्ड लाइन, ई थर्ड स्पेस, एफ फोर्थ लाइन, एंड जी फोर्थ स्पेस। ये आप अच्छे से याद कर लो, इसको एक बार देख लो। तो एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कीबोर्ड पे प्ले करके दिखा देता हूँ ये हम कैसे, कहाँ कहाँ पर नोट्स हैं ये वाले और कहाँ पर है। तो देखो, ये मेरा मिडिल सी है, मिडिल सी पे मेरा राइट हैंड रखा है, अब लेफ्ट हैंड में इससे जस्ट पहले वाले सी पर रखूंगा। ओके, यहाँ पर तो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे मैंने फिफ्थ फिंगर मैंने सी डी ई एफ और जी मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहला नोट कौन सा है, सी, तो सी मैं फिफ्थ फिंगर से प्ले कर रहा हूँ, देन डी फोर्थ फिंगर से, देन ई थर्ड फिंगर, एफ फोर्थ फिंगर, एंड जी विथ फिफ्थ फिंगर, ये सारी पोजीशन है। तो सी हमारा कहां पर है, ये वाला सी कहां पर है, सेकंड स्पेस, ये डी कहां पर है, थर्ड लाइन, ये ई कहां पर है, थर्ड स्पेस, एफ कहां पर है, फोर्थ लाइन, और जी कहां पर है, फोर्थ स्पेस पर। ओके, आप सबको समझ में आ गया होगा, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पे मैं बता देता हूँ, ये जो सी है इसमें जो मैंने हमने पढ़ी है वो सी फिफ्थ फिंगर पे आएगी। ये इसके ये सी पोजीशन कहाँ पर है, बेस क्लैफ पर, सेकंड स्पेस,
डी थर्ड लाइन, देन दिस ई, ये वाला ई ये कहां पर है, ये वाला ई कहां पर है, थर्ड थर्ड स्पेस, ठीक है, और ये एफ फोर्थ लाइन और जी फोर्थ स्पेस, ओके, सी डी ई एफ जी, इस ई वाली, आज हमने ये वाले नोट्स पढ़े हैं, है ना, और ये फिक्स पोजीशन है, राइट, ऐसा नहीं ये सी है तो मैं ये प्ले कर दी, ना यही वाला सी, जो मिडिल सी है हमारा, ये वाला मिडिल सी है, मिडिल सी के जस्ट पहले वाला, ओके, तो ये पोजीशन हमारी यहाँ पर ही वाली होगी, तो मैं एक एक्सरसाइज लिख देता हूँ, ये हमारा सी, ठीक है, ये सी हो गया, ये क्वार्टर नोट है, मतलब एक बीट के लिए चलेगा ना, सी हो गया, डी देन ई देन एफ फोर, बार लाइन आ गया, वन टू थ्री फोर, है ना, वन टू थ्री फोर, फिर फोर नोट्स आ गए, इसके बाद फिर जी, फिर जी एफ, फिर ई, फिर एक बार लाइन आ जाएगी, फोर नोट्स हो गए, वन टू थ्री फोर हो गए, फिर डी सी, लास्ट में दो ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी, ओके, ये आप एक ये वाली एक्सरसाइज कर लो, आप एक और एक्सरसाइज दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ बेस क्लफ आ गया, बेस क्लफ के बाद मैंने टाइम सिग्नेचर लिखा, टाइम सिग्नेचर भी आता है, कौन सा टाइम सिग्नेचर है ना, तो टाइम सिग्नेचर जो होता है वो मैंने बताया था आपको, ऊपर नीचे वाला नंबर मतलब क्वार्टर नोट, एक काउंट का मतलब, ऊपर वाले फोर का मतलब क्या है, एक मेजर मतलब एक बार में फोर काउंट्स होंगे, ठीक है, फोर काउंट्स, सो जैसे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू, ओके, तो एक और एक्सरसाइज लिख लो आप, ये सी देन डी E, F, एक बार लाइन आ गई, फिर G, फिर C, D, E, एक बार लाइन आ गई, फिर F, फिर G, ओके, एक्सरसाइज है, तो ये नोट कौन से हो गए, सी डी ई एफ, एफ जी, जी एफ ई डी सी, ये कौन, सी डी ई एफ और जी, सी डी ई एफ जी, तो ये दो एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से अब नोट डाउन कर लो, फिर हम बेस क्लेफ में एक छोटा सा एक सॉन्ग कराता हूँ बेस क्लेफ पे, एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, चलो ये एक्सरसाइज जो मैंने दी है इतने आप नोट भी कर लोगे, जैसे अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे, सी then D, E, F, G, G, F, E, D, C, second exercise, C, D, E, F, G, C, D, E, F, G, ये जो second exercise वो ऐसे है, okay, तो ये दोनों exercise ऐसे हैं, आप इसको प्ले कर लो, अब मैं इसको डिलीट रेज कर रहा हूँ, सो ये यहाँ पर फोर बाई फोर लिखता हूँ, ठीक है,
ठीक है, ये पोर टाइम से चला गया, वो हमेशा क्लेफ के बाद में आता है क्योंकि बेस क्लेफ है, लेफ्ट हैंड से पढ़ेंगे। तो एक सॉन्ग है जिसमें सी एफ ई एफ मैं सेकेंड लाइन इज एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लाइन। लास्ट में क्या आएगा, एंड लाइन, मैंने आपको बताई थी एंड लाइन, एक लाइन थिक होती है। ये थिक लाइन होती है और उसके बाद एक थिन लाइन होती है, ओके ऐसे एंड एंड मतलब यहाँ पर पीस एंड हो गया। तो ये सॉन्ग है, एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बेस क्लैफ है, लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे। तो बड़ी फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट मेजर है, फर्स्ट मेजर में यहाँ पर क्या है, सी, ये सेकंड स्पेस में सी है, सी एफ ई एफ है ना। तो अगर प्ले करेंगे तो सी एफ ई एफ जी डी। अच्छा इधर दो, ये दो क्वार्टर नोट्स हैं और ये कौन सा नोट है हमारा, हाफ नोट, राइट। और दूसरा नेम क्या है, मिनिम। ये टू बीट्स के लिए होल्ड करेंगे है ना, क्योंकि देखो बीच में खाली है, यहाँ पर जगह नहीं, तो टू बीट्स के लिए होल्ड करेंगे। तो 1 2 3 4, दो बीट्स तक होल्ड रहेगा ये, है ना। तो ये कैसे होगा, जी डी जी, मतलब 1 2 3 4 है ना, टू बीट्स के लिए। ये वाला जी है वो टू बीट्स के होल्ड रहेगा, जी डी जी और 1 2 3 4, ओके ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, एफ ई डी ई, क्यों एफ ई डी ई, या फिर से एफ ई डी ई, ये वाली लाइन है एफ ई डी ई। अब देखो ये वाला कौन सा नोट है, होल नोट, मैंने बताया था होल नोट, और दूसरा नेम है सेमी ब्रीफ। तो होल नोट जो है वो 4 बीट्स के लिए होल्ड आप नोट चलता है, तो मतलब ये वाला जो एफ है आपको 4 बीट्स के लिए होल्ड रखना पड़ेगा, कैसे, 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, 4 बीट्स के लिए ये वाला एफ, ओके। तो एफ ई डी ई एफ, तो एफ ई डी ई एफ 2 3 4, ओके। मैं एक बार पूरी लाइन प्ले करता हूँ तो कैसे होगा, देखो सी एफ ई एफ जी डी जी,
काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। और नीचे जो सेकंड लाइन है वो एग्जैक्ट सेम एज फर्स्ट लाइन, जस्ट लाइक सेकंड लाइन सी एफ ई एफ जी डी जी एफ ई डी ई एफ। ओके अकाउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ऑलराइट, सो ये इस तरीके से सॉन्ग प्ले करना है आप इसको अच्छे से। लेकिन इसको सॉन्ग करने से पहले आपको पोजीशन एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, सारी पोजीशन जब अच्छे से याद हो जाएंगी तो तभी आप ये सॉन्ग ज़्यादा बेटर कर पाओगे।